हेलो बच्चों, तो बच्चों हमने एक पेपर तैयार किया है मनी और बैंकिंग का। ये पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है, चाहे वो रेगुलर से हों चाहे वो एसएल से हों, जो ऑनर्स के रूप में थर्ड सेमेस्टर में हैं और जिन्होंने इकोनॉमिक्स का जी मनी और बैंकिंग लिया हुआ है। तो बच्चों आप अपने साइड में सिलेबस भी देख सकते हैं, इसमें टोटल मिलाकर 5 यूनिट्स हैं। तो ये पाँचों की पाँचों यूनिट जो है वो हम आप बच्चों के लिए कवर कराएंगे। तो इसमें हमने उन्हीं रीडिंग्स का यूज़ किया है जो इसमें रिकमेंडेड है। तो पूरा का पूरा कोर्स हम डिजाइन आप बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम इस पूरे प्रोसेस में हैं, काफ़ी सारी वीडियो हमने अभी कर ली हैं। तो ये देखिए हम इसको किस तरीके से आपको इस कोर्स के बारे में जो डिटेल्स है वो हम आप बच्चों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आपको सबसे पहले मेरी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। तो एक बार अगर आप वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस ओपन। तो इस कोर्स में बच्चों आपको स्टोर पर जाना है, स्टोर के अंदर आपको जब आप पहुँच जाओगे तो आपको सर्च करना है मनी और बैंकिंग, या आप सिंपल डी यू लिख दीजिए, यानी कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी के, अगर मान लीजिए आप किसी और यूनिवर्सिटी का कोर्स सर्च कर रहे हैं तो आप वो यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, जैसे मैं यहाँ डी लिख देता हूँ। तो डी यू से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमें इसमें से मनी और बैंकिंग का पेपर जो है वो सर्च करना है, ठीक है। तो मनी और बैंकिंग का पेपर हमें मिल जाएगा, देखिए ये है मनी और बैंकिंग का पेपर। तो इसको अब जब आप देखोगे तो इस तरीके का इंटरफेस इस तरीके का आपको दिखेगा। तो यहाँ पर बच्चों हम बता देते हैं कि इस पर लिखा हुआ है कि मनी और बैंकिंग का पेपर है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो जी के रूप में है और थर्ड सेमेस्टर है। तो बच्चों फिलहाल हमने इसका जो ड्यूरेशन है वो 8 मंथ का रखा हुआ है, इसको आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। तो ये नीचे सिलेबस दिया हुआ है, अब बच्चों के लिए आप एक बार सिलेबस भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अभी जो हमने टोटल मिलाकर 58 जो वीडियोज़ हैं वो रिकॉर्ड किए हैं, मुझे उम्मीद है कि इसमें लगभग 105 110 के करीब या 115 भी हो सकती हैं रिकॉर्डेड होंगी, क्योंकि वो तो टाइम बताएगा कितनी रिकॉर्ड हो पाती हैं। तो ये सारे की सारी जो वीडियो है अगले 2 महीने के अंदर आप बच्चों के लिए अवेलेबल होंगी। इसमें आपको पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप बाय नाउ पे ऑप्शन पे जाइएगा, ठीक है। अपना जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जो भी आपका पेमेंट का प्रोसेस है आप उसको पूरा कीजिएगा। जैसे आप पेमेंट का प्रोसेस पूरा करते हैं ये सारा का सारा जो कोर्स है वो आप बच्चों के लिए ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका रहेगा बच्चों। इसके अलावा हम इसमें पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी जो हैं वो सॉल्व करवाएंगे। तो एक तरीके से कंप्लीट पैकेज है आप बच्चों के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों।